बच्चों, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीरीज में आज हम लोग सीखेंगे थर्मल एक्सपेंशन में जो स्केल रीडिंग वाला कंसेप्ट होता है वो। इस सीरीज में हम लोग फिजिक्स के चैप्टर्स के कंसेप्ट्स को लेते हैं और उसको शॉर्ट में जल्दी में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ये प्लेलिस्ट का जो लिंक है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेट्स बिगिन। बेटा, थर्मल एक्सपेंशन में आप देखोगे ये क्वेश्चन, स्केल रीडिंग वाले क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं। इसका मेन कंसेप्ट क्या है और इसमें मेन वेराइटी के क्वेश्चन क्या बनते हैं, उन्हें कैसे सॉल्व करना होता है। सपोज हमारे पास एक स्केल है, बट हम लोग स्केल रीडिंग वाला कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। हमारे पास एक स्केल है, इन जनरल इसके जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें स्केल आपको मेटल का ही दिया जाता है जिसका कि एक कैलिब्रेशन टेम्परेचर होता है। कैलिब्रेशन टेम्परेचर मतलब वो होता है जिस पर कि स्केल सही रीडिंग दिखाएगा, यानी जिस जो स्टैंडर्ड रीडिंग है, जो 1 मीटर 1 सेंटीमीटर की डेफिनेशन है वो दिखाएगा। मान लेते हैं बेटा, ये जो ऊपर फिगर बनी हुई है ये कैलिब्रेशन टेम्परेचर पर स्केल है। तो मान लेते हैं अगर हम लोग इस पेन को नापें, तो ये पेन बेटा अगर एक सिरे पे रखोगे आप तो ये अप्रॉक्सीमेटली 4 आ रहा है। लेट अस कॉल इट इंच। मान लेते हैं अगर ये 4 इंच है, ये एक इंच है मान लेते हैं, तो इसका मतलब ये 4 पर है, तो इसका मतलब इस पेन की लंबाई, ये जो स्केल है ये 4 इंच बता रहा है, ठीक ना। अब आपने क्या किया, टेम्परेचर को बढ़ा दिया। तो टेम्परेचर बढ़ने पर हुआ क्या, ये स्केल ओवरऑल इंक्रीज कर गया, स्केल की जो लेंथ है वो ओवरऑल इंक्रीज कर गई। तो ये स्केल जो पहले इस कंडीशन पे था यानी कैलिब्रेशन टेम्परेचर पे, अब उसकी ये कंडीशन है। तो आप देख सकते हो जो 1 इंच है, जो ओरिजिनल 1 इंच होना चाहिए था, जो कैलिब्रेशन टेम्परेचर पर 1 इंच होना चाहिए था, वो खुद ही एक्सपेंड कर गया। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ 1 की जगह, जैसे यहाँ 1 हो तो यहाँ 2 आ गया, ऐसा नहीं, ये 1 है तो ये भी 1 है, लेकिन जो 1 इंच एक्चुअल है वो खुद ही एक्सपेंड कर गया। तो अब आप जब इस पेन को नापोगे, अब आप इस अगर पेन को नापोगे तो ये 3 पॉइंट के सम 2 के आसपास में जाके ख़त्म हो जा रहा है। तो मेन जो कंसेप्ट है स्केल रीडिंग में जो थर्मल एक्सपेंशन का है वो यही है कि जो स्केल होता है वो खुद ही एक्सपेंड कर गया। अब जब वो खुद एक्सपेंड कर गया तो जिसको आप 1 इंच बोल रहे थे, जो एक्चुअल 1 इंच था वो अब चेंज कर गया है। तो बेटा बहुत ईजी कंसेप्ट होता है। इसमें सिर्फ 2 तरह के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं मेनली। जो स्केल होता है वो तो जो हमेशा मेटल का ही आपको बना के दिया जाएगा। जिस चीज़ को नाप रहे हैं वो हो सकता है कि वो भी एक्सपेंशन करती हो या वो एक्सपेंशन ना करती हो, यही 2 संभावनाएं बनती हैं। तो मान लो जैसे कि आपको जो जो रॉड दी गई है वो लकड़ी की बनी हुई है, वो वुड की बनी हुई है, तो वुड का मतलब ये हो गया कि उसमें आप थर्मल एक्सपेंशन को इग्नोर करते हो, ठीक है। तो अगर पहले की लेंथ मान लो एल की थी, पहले की लेंथ अगर एल की थी, तो बस बेटा आप करो क्या, एल को आप डिवाइड करो, जो मेटल का एक्सपेंशन है 1 इंच 1 सेंटीमीटर 1 मीटर जो भी हो, वो एक्सपेंड करके कितना हो गया, तो 1 यानी 1 इंच 1 सेंटीमीटर वट एवर 1 प्लस जो आपको मेटल का अल्फा दिया गया हो, या कह लें बेटा इसको हम लोग अल्फा ऑफ स्केल इंटू डेल्टा टी। मतलब कुल मिला के ये वो लेंथ है, एल वो लेंथ है जो कि वुड की रही होगी जब स्केल ने उसको नापा है अपने कैलिब्रेशन टेम्परेचर पे, और जब टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये कितना 1 इंच या 1 मीटर जो भी उसको हम कह लें वो कितना एक्सपेंड कर गया, ये निकाल लो, ठीक है। अगर लकड़ी का दिया हुआ है, प्लास्टिक का, मतलब जिसमें एग्जामिनर आपसे ये कहेगा कि आप जिस रॉड को नाप रहे हैं उसका थर्मल एक्सपेंशन इग्नोर करिए। दूसरी कंडीशन बनती है कि जिसे आप नाप रहे हैं वो भी मेटल का ही बना हुआ है, वो भी मेटल का ही बना हुआ है, तो बेटा उसमें कुछ नहीं करना है। पहले अगर लेंथ L थी तो अब टेम्परेचर के बढ़ने पर वो लेंथ भी बढ़ जाएगी, ठीक। वो कितनी हो जाएगी, 1 प्लस अल्फा ऑफ मेटल इंटू डेल्टा टी। यहाँ अल्फा मेटल से मतलब है जो रॉड जिसको नापना था वो कितना एक्सपेंड कर गई, और डिनोमिनेटर वही रहेगा जो वुड वाले केस में था, यानी 1 प्लस अल्फा एस डेल्टा टी। बस, यानी कुल मिला के कंसेप्ट बस इतना चल रहा है कि अगर जिस चीज़ को नापना है वो लकड़ी का बना हुआ है तो उसका कोई एक्सपेंशन आप लेंगे नहीं, लकड़ी, प्लास्टिक एट्सेट्रा, या कोई ऐसी चीज़ दे दे एग्जामिनर जो बोले कि उसका एक्सपेंशन आप इग्नोर करिए, तो उस कंडीशन में जो उसकी रॉड की एक्चुअल लेंथ है उसको आप इससे डिवाइड कर दो। ये क्या है, ये जो 1 इंच था टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो एक्सपेंशन हुआ वो अब नई लेंथ हो गई, नई लेंथ 1 इंच की नई लेंथ, ये एक्सपेंशन ऑफ स्केल है। और अगर वो क्वेश्चन कहता है कि नहीं भाई वो मेटल है, तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर वो जो रॉड है वो भी एक्सपेंड करेगी और जो स्केल है वो भी एक्सपेंड करेगा, तो बस इतना निकाल लेना इसमें, ठीक है। तो बहुत ईजी होता है। तो बेटा इस तरह से
हम लोग इस सीरीज में कई तरह के कंसेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग बेटा जो कॉन्सेप्चुअल सीरीज है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीरीज है, उसको चेक कर लो। आपके बेटा फिजिक्स को और अच्छे से इम्प्रूव करने के लिए, चाहे आप जेई की तैयारी कर रहे हो, नीट की कर रहे हो, इलेवेंथ में हो, ट्वेल्थ में हो, आपका एम आगे चल कर नीट आईआईटी है, तो फिजिक्स में आप बहुत हेल्प ले सकते हो फिजिक्स मूनशॉट ऐप से। बेटा उसको आप डाउनलोड कर लो, तो उसमें सबसे बड़ा हेल्प तो फ्री टेस्ट है, पूरे फिजिक्स के उसमें टेस्ट हैं, तो वो आप अपीयर हो सकते हो उसमें। वो आपको पूरा उसका डिस्कशन, यानी जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर, डिस्कशन, टाइम मैनेजमेंट वगैरह सब पता चल जाता है। दूसरा बहुत बड़ा जो वहाँ पर उसमें बेनिफिट है वो है डाउट क्लियरिंग, फ्री डाउट क्लियरिंग। उसमें आप जब ऐप को खोलते हो तो उसमें नीचे चैट बॉक्स में आपको, आप अपना डाउट जो भी है वो पोस्ट कर सकते हो और उसका ऑडियो सॉल्यूशन आपको उसमें दिया जाता है। फिर उसमें चैप्टर वाइज पैकेजेस लोड है, बहुत सारे चैप्टर्स लोड हो गए हैं। जैसे आप किसी कोचिंग में पढ़ रहे हो, लेट अस से कोई स्टूडेंट है और उसका अपनी कोचिंग में कैपेसिटर ड्यू टू व्हाटएवर रीजन छूट गया या वीक हो गया है, तो वो सिर्फ कैपेसिटर का जो चैप्टर है वो परचेज कर सकता है विद वेरी नॉमिनल कॉस्ट, और उसमें बिल्कुल बेसिक से लेकर के कंपटीशन लेवल तक उसमें पढ़ाया जाता है। उसमें लेक्चर्स लोडेड, रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, तो उसको आप अपने पेस पर अपने तरीके से उसको देख सकते हो। जो आपको पहले कंसेप्ट चाहिए वो आप पहले दे सकते हो विद असाइनमेंट विद होमवर्क, ठीक है। तो अच्छा फिर इस मूनशॉट का ऐप डाउनलोड करके रखो। इन सब सीरीज से आपको क्या हेल्प मिल रही है इसको ज़रूर बताओ, और आपको कौन सा कंसेप्ट पहले चाहिए वो भी आप बताओ। कीप स्टडिंग, गॉड ब्लेस यू।